नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपके साथ पापड़ पॉकेट रोल बना रही हूँ, जो बहुत इजी है। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ एक बॉल ले लिया है, उसमें मैंने मैदा डाल के अब पानी डाल रही हूँ और इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, मैदे का घोल तैयार कर रहे हैं। तो आप मैदा डाल लें और उसके बाद अच्छे से इसको मिला लें। ये बाउल थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ बड़े बाउल में इसको, और इसको अब अच्छे से मिला लें ताकि एक अच्छा सा घोल तैयार हो जाए मैदे का। और ये देखिए हमारा घोल तैयार है, लम्स नहीं रहने चाहिए और ये देखिए इस तरह से। चलिए स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ पनीर लिया है, उसमें मैंने चीज डाली है, साथ में हरी मिर्च डाल दी है और हरा धनिया डाल दिया है, ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में नमक, हल्दी, अमचूर पाउडर और काली मिर्च डाल रही हूँ मैं। इसमें काली मिर्च और चिली फ्लेक्स डाला है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मसाले आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, और इनको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब दूसरी स्टफिंग के लिए मैंने आलू लिए हैं, आलू को मैश कर दिया है और इसके साथ अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मटर। मैं आलू मटर की स्टफिंग बना रही हूँ तो आलू मटर के साथ अब इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है और हरा धनिया डाल रही हूँ खूब सारा, आधा कटोरी हरा धनिया डाल दिया है। साथ में मैं यहाँ चीज डाल रही हूँ, तो यहाँ मैंने मोजरेला चीज डाली है। आप कोई सी भी चीज डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो चीज को स्किप भी कर सकते हैं, और इनको एक बार अच्छी तरह से मिला लें। और अब इसमें मसाले डाल रही हूँ, इसमें नमक डाल दिया मैंने, साथ में हरी लाल मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी थोड़ी सी और अमचूर पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और साथ में काली मिर्च डाल रही हूँ और चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। तो मसाला आप चाहें तो कम ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हैं, और इसको चख के देख लें, अगर आपको लगता है मसाला कुछ कम है तो और ऐड कर लें। और अब मैं आपको वेजिटेबल वाली स्टफिंग बता रही हूँ। इसमें मैंने पत्ता गोभी ली है, उसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है और साथ में अब मैं लेने वाली हूँ लाल शिमला मिर्च, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आजकल सर्दियाँ हैं, सारी सब्जियाँ आ रही हैं, तो आप जो भी मर्जी है वो सब्जी ले सकते हैं। और साथ में मैंने पीली शिमला मिर्च भी ली है, येलो शिमला मिर्च लेके भी उसको भी काट लिया है बारीक टुकड़ों में। और इसके साथ मैं लेने वाली हूँ गाजर, गाजर को भी बारीक टुकड़ों में काट दिया। तो आप जौन सी सब्जी चाहें वो ले सकते हैं। इसके साथ मैंने मटर लिए हैं और साथ में लिए हैं प्याज, प्याज को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब हम लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे एक टेबलस्पून तेल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। तो सब्जियां आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने ये वाली सब्जी ली है, अभी सर्दियों का मौसम है, बहुत सब्जियां आ रही हैं। और तेल के गर्म होते ही मैंने इसमें प्याज डाल दिया और प्याज को डाल के इसको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट भून लें आप अच्छे से। और फिर जितनी भी सब्जियां हमने काट के रखी थी ना वो सब डाल दें, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, मटर सब डाल दें। और अगर और भी कोई सब्जी आप यूज में लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आजकल कॉर्न भी बहुत आ रहे हैं, मक्की के दाने, तो कॉर्न भी डाल सकते हैं, पर मैंने यूज में नहीं लिए है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है और साथ में लाल मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, साथ में थोड़ा सा धनिया डाला है, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। काली मिर्च को पीस लिया था और उसका पाउडर डाल दिया है। तो आप मसाले जो भी हैं वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसको ढक के 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि हमारी सब्जी है अच्छी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके थे, देखिए सब्जी बस सॉफ्ट हो चुकी है। और देखिए बस अब इसको हम थोड़ा सा बंद करके ठंडा होने का इंतजार करेंगे। इसको एक प्लेट में ले लें, और ये हमारी सब्जी ठंडी हो चुकी थी तो इसको प्लेट में ले लिया मैंने, और इसमें थोड़ा सा एक आलू को मैश करके इसमें मिला रही हूँ। ये जो है वेजिटेबल जो स्टफिंग है बहुत अच्छी होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने पापड़ ली है, बीकानेरी पापड़ ली है, आप कोई से भी पापड़ ले सकते हैं। और यहाँ थाली ली है, उसमें मैंने पानी डाल करके रखा हुआ है। तो बेसिकली मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, एक एक पापड़ को इसमें डिप करके और निकाल रही हूँ, और साइड में मैंने टिश्यू टॉवल रख रखा है, तो उस टिश्यू टॉवल पे एक एक रखती जा रही हूँ, उसके ऊपर दूसरा टिश्यू टॉवल रखती जा रही हूँ। तो इस तरह से आप
सब पापड़ों के को पानी में डिप करके एक टिश्यू टॉवल के ऊपर रख के उसके ऊपर दूसरा टिश्यू टॉवल रख के कर दें कि ताकि इसका सारा पानी हट जाए। और अब मैंने उसमें से एक पापड़ ले लिया है और उसके ऊपर मैं ये जो वेजिटेबल की मैंने स्टफिंग बताई थी वो लगा के और इसका पापड़ पॉकेट रोल बना रही हूँ। और अब इसमें हमने ये मसाला लगाने के बाद जो हमने मैदे का घोल बना के रखा था उसको ब्रश की सहायता से चारों तरफ लगा दें और इसको अब रोल कर लें। देखिए ना कितना सिंपल सा, इसको रोल कर दें और ऊपर वाली साइड इसको ऊपर से फोल्ड करके और इसको ऊपर क्योंकि मैदे का घोल लगा हुआ है चिपका दें और साइड से भी ये चिपक जाएगा। एक बार देखिए उंगली की सहायता से और फिर ऊपर उसके मैदे का घोल लगा के इसको टर्न करते हैं। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे साइड से कर लिया। अब इसके ऊपर मैदे का घोल लगा दिया और इसको पलट लें। ये देखिए बन गए हमारे पापड़ पॉकेट रोल और इसको साइड में रखते हैं। और अब ये मैंने दूसरा पापड़ ले लिया है, उसमें मैं दूसरी स्टफिंग यानी कि पनीर चीज की स्टफिंग के साथ बता रही हूँ। और एक बार ध्यान रखिएगा जब ये आपने ये पापड़ पॉकेट रोल बनाया है तो उसके बाद उसको एक छन्नी के ऊपर रखें। तो ये ध्यान रखना कि एक प्लेट ले लें उसके ऊपर कटोरी रख के उसके ऊपर छन्नी के ऊपर रख दें। और ये पॉकेट रोल जो है आप बना के रख भी सकते हैं, जब कोई मेहमान आए तब तल के खिलाते, कोई पार्टी है कोई चाय में आ रहा है तो ये बना के रख दें और जैसे ही मेहमान आए और तब गरम गरम इनको तल के खिलाएं। तो ये देखिए हमारा दूसरा भी तैयार हो गया। देखिए ये साइड से फट गया है तो टेंशन मत करें, इसको मोड़ दें और जो हमारा मैदे का घोल है वो लगा दें, वो इसको चिपका देगा तो कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए मैंने छन्नी में बता दिया ना कैसे रखते हैं। और ये तीसरा वाला ले लिया है मैंने पापड़ और इसमें जो हमने आलू मटर की स्टफिंग तैयार की थी ना उसमें मैंने अब चीज भी डाल दी है वो डाल के और वो तीसरा पापड़ पॉकेट रोल तैयार कर रही हूँ। सेम प्रोसेस, देख रहा है ना कितना बढ़िया से। तो ये पापड़ पॉकेट रोल जो है इतने टेस्टी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो कभी कुछ डिफरेंट खाने का मन हो तो आराम से बनाएं और इसको बंद कर दें अच्छे से। और ये देखिए साइड से भी बना दें। मैंने पापड़ के समोसे भी बताए थे, अगर आपको देखने हो तो मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी डाल रखा है तो आप देख सकते हैं जाके। और ये देखिए हमारा ये तीसरा भी तैयार हो गया। अब यहाँ मैंने तेल गर्म करने रखा है, तेल को एक बार तेज गर्म होने दें फिर धीमी आंच में कर दें। तो तेज गर्म हो गया तो अब इसमें हमने पापड़ के जो पॉकेट्स थे वो डाल दिए हैं। इनको पापड़ रोल डालने के बाद गैस धीमी कर दें और इसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हम इसको तल लें। देखिए जैसे ये हो गया ना कितना बढ़िया क्रिस्पी सा लग रहा है और खाने में भी उतना क्रंची और क्रिस्पी होता है। और इनको निकाल के, और ध्यान है इनको निकालने के बाद छन्नी पे ही रखना है, एक बार छन्नी पे रख दें और उसके बाद प्लेट में ले लें। तो ये देखिए हमारा पापड़ रोल, सेकंड पापड़ रोल भी हमारा तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और इसको निकाल लेते हैं। और ये मैंने छन्नी में रख दिया, इस तरह रखना है और अब मैंने प्लेट में रख लिया है। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं और खाने में भी उतने टेस्टी हैं। तो ये देखिए मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया, तीन तरह से बताए हैं आपको। और देखिए ये हमारा आलू मटर और चीज का जो पॉकेट रोल था वो मैंने आपको काट के दिखाया है, तो तीन स्टफिंग के साथ आपको दिखाया है। और ये हमारा वेजिटेबल का, तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और ये है वेजिटेबल का और आजकल सर्दियां भी हैं, सारी तरह की सब्जियां आ रही हैं तो बनाए और बच्चों को खिलाए। तो मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नाम नाम। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके। जब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, राम राम, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।